विज्ञान भवन में कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, कोट पैंट टाई वाले भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार के यहां सब हमारे परिवारजन दिख रहे हैं, उनका जो उमंग और उत्साह दिख रहा है, वो वाकई विज्ञान भवन को बहुत कम देखने को मिलता है। आज दिल्ली के सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली के गरीब परिवारों को पक्का घर देने का जो अभियान शुरू हुआ है, वो यहां के हजारों गरीब परिवारों के सपने को पूरा करेगा। आज यहां सैकड़ों लाभार्थियों को उनके घर की चाबी मिली है, और मुझे जिन चार पांच परिवारों से मिलने का मौका मिला, मैं देख रहा था उनके चेहरे पर जो खुशी, जो संतोष, और वो कुछ न कुछ भाव अपने व्यक्त करते थे, वो भीतर का जो आनंद था वो प्रकट हो रहा था, एक संतोष उनके चेहरे पर महक रहा था। अकेले कालकाजी एक्सटेंशन के फर्स्ट पेज में ही 3000 से ज्यादा घर बनकर तैयार कर लिए गए हैं, और बहुत ही जल्द यहां रह रहे दूसरे परिवारों को भी गृह प्रवेश का मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे ये प्रयास दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथियों, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हम जो विकास देखते हैं, बड़े सपने और ऊंचाइयां देखते हैं, उनकी नींव में मेरे इन गरीब भाई बहनों की मेहनत है, उनका पसीना है, उनका परिश्रम है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सच्चाई ये भी है कि शहरों के विकास में जिन गरीबों का खून पसीना लगता है, वो उसी शहर में बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर होते रहे हैं। जब निर्माण कार्य करने वाला ही पीछे रह जाता है, तो निर्माण भी अधूरा ही रह जाता है, और इसलिए बीते 7 दशकों में हमारे शहर समग्र विकास से, संतुलित विकास से, होलिस्टिक डेवलपमेंट से वंचित रह गए। जिस शहर में एक और ऊंची ऊंची भव्य इमारतें और चमक दमक होती है, उसी के बगल में झुग्गी झोपड़ियों में बदहाली दिखाई देती है। एक और शहर में कुछ इलाकों को पॉश कहा जाता है, तो दूसरी ओर कई इलाकों में लोग जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए तरसते हैं। जब एक ही शहर में इतनी असमानता हो, इतना भेदभाव हो,
तो समग्र विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है। आजादी के अमृतकाल में हमें इस खाई को पाटना ही होगा और इसलिए ही आज देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र पर चलकर सबके उत्थान के लिए प्रयास कर रहा है।